पिछले दिनों द कपिल शर्मा शो को लेकर खूब बवाल हुआ। दरअसल एक एपिसोड के दौरान कीकू शारदा ने अर्नब गोस्वामी की नकल उतार दी। इस एपिसोड में अनुभव सिन्हा और मनोज बाजपेयी मेहमान बनकर पहुंचे थे। ये बात सभी जानते हैं कि द कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर सलमान खान हैं। अर्नब अपनी कई डिबेट्स में सलमान पर सीधा हमला कर चुके हैं। माना यह गया कि यह सलमान की तरफ से अर्नब के लिए एक जवाब था। इस एपिसोड में जब कीकू ने अर्नब की मिमिक्री की तो पूरे देश में हंगामा मच गया। कपिल के शो को बायकॉट करने की मांग होने लगी। विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो कीकू को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। इस पूरे विवाद पर कीकू ने कहा है कि मुझे अर्नब या उनकी टीम से अभी तक कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। कीकू ने आगे कहा कि मुझे इस तरह के मैसेज आते रहते हैं, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया है तो आप खुलकर इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करने का भी एक तरीका होता है। मुझे तब दुख होता है जब लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो सही नहीं है। कीकू ने आगे कहा, हम हर तरह की कॉमेडी को अपने शो में शामिल करते हैं। आवाज उठाना सही है, लेकिन कभी कभी लोग अपनी राय देने के लिए ओछी बातें कर बैठते हैं। मेरे पास ऐसे तमाम ओछे मैसेज आए हैं, लेकिन हम केबीसी की भी नकल करते हैं, हम कई बड़े एक्टर्स की भी नकल करते हैं, हम उनकी भी मिमिक्री करते हैं, लेकिन किसी को इससे आहत नहीं होना चाहिए। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब कीकू इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे हों। इससे पहले उन्होंने राम रहीम की मिमिक्री की थी, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इस पूरे मामले पर अर्नब की चुप्पी भी यही बताती है कि उन्होंने इस एपिसोड को मजाक की तरह ही लिया है। नहीं तो अर्नब काफ़ी वोकल हैं और अगर वो इससे थोड़ा भी आहत होते तो अपनी डिबेट्स में इस बात का जिक्र ज़रूर करते। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए, और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।